हेलो फ्रेंड, मैं रचना गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने फूड चैनल चाय का आपका और हमारा में। फ्रेंड, आज मैं इमली की चटनी बना रही हूँ। इसे हम एक महीने तक फ्रिज में आराम से रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगी। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए। आइए अपनी चटनी शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी इमली को पानी में भिगो देंगे एक घंटे के लिए, और अगर हमको जल्दी है तो पानी हम थोड़ा गर्म ले लेंगे। इमली हमारी अच्छे से भीग गई है, अब इसको हम हाथ से अच्छे से मसल लेंगे और इसको छन्नी से छानकर इसका पल्प निकाल लेंगे। हमने इमली को छान लिया है, अब हम एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालेंगे, उसमें एक चुटकी हींग, और थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे। अब इसमें हम अपना इमली का पल्प डालते हैं। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे, हम चीनी भी डाल सकते हैं। इमली और गुड़ की मात्रा लगभग बराबर पड़ती है। अब इसमें हम हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून मिर्च डाल देंगे और इसको पकने देंगे। चटनी को हमने करीब 10 मिनट मीडियम फ्लेम में पका लिया है। अब हमारी चटनी तैयार है। इसकी थिकनेस अभी ये ठंडी होगी तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी।